किसान आंदोलन का आज 42वां दिन, सरकार और किसानों के बीच जारी है गतिरोध। कृषि बिल के खिलाफ 7 जनवरी को सुबह 11 बजे किसानों का ट्रैक्टर मार्च। किसान यूनियन ने कहा 7 जनवरी को दिखेगी 26 जनवरी की परेड की झलक। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर खुफिया एजेंसी सतर्क, दिल्ली से सटी सभी सीमाओं पर लोकल इंटेलिजेंस की नजर। यूपी में किसानी की आय दोगुनी करने के लिए आज से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत, लखनऊ में सीएम योगी करेंगे किसान मेले का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हो सकती है। 29 जनवरी से 15 फरवरी तक होगा बजट सत्र, कोविड प्रोटोकॉल के चलते 4-4 घंटे चलेंगे सदन। 29 जनवरी को दोनों सदन को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। 1 फरवरी को पेश हो सकता है बजट, बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होने की संभावना। पीएम गैस फंड के पैसे से बनेगा 162 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, पीएम केयर्स के 201 करोड़ की राशि जारी की। आज लव जिहाद कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर सुनवाई होनी है। राजस्थान के सूरतगढ़ में लड़ाकू विमान MiG-21 क्रैश, हादसे में पायलट सुरक्षित। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है, राजस्थान के 10 जिलों में 625 पक्षियों की मौत, तो मध्य प्रदेश के 9 जिलों में 400 से ज्यादा कौओं की मौत। गाजियाबाद के शमशान घाट हादसे में बिल्डर अजय त्यागी का सहयोगी संजय गर्ग गिरफ्तार, अजय त्यागी को 14 दिन से न्यायिक हिरासत। गाजियाबाद के शमशान घाट हादसे पर सीएम योगी की घोषणा, पीड़ित परिवारों के बच्चों की फीस होगी माफ, मुफ्त शिक्षा के लिए बीएसए के नेतृत्व में टीम गठित। गाजियाबाद हादसे की जांच के लिए समाजवादी पार्टी ने 9 सदस्यीय कमेटी गठित की, 7 जनवरी को कमेटी के सदस्य हादसे में मारे गए लोगों के परिजन से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रोहतक जाएंगे, मस्तनाथ मठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत दौरा किया रद्द, 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे जॉनसन। कोरोना संकट के बीच देशवासियों के लिए राहत भरी खबर, 13 जनवरी से देश भर में शुरू होगा वैक्सीनेशन, जिले के डीएम तय करेंगे प्राथमिकता। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार, अब तक 1,50,130 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। कोरोना वैक्सीन की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री सख्त, कहा वैक्सीन को लेकर लापरवाही पर डीएम पुलिस प्रशासन जिम्मेदार। वाराणसी में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हल्के में लेना पड़ा भारी, डीएम ने चौकाघाट के स्टाफ को जारी किया नोटिस। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।